पिछले वीडियो में सामाजिक गतिशीलता के बारे में बताया था। अब हम गतिशीलता के स्रोत व कारणों की चर्चा करेंगे। सामाजिक गतिशीलता के स्रोत इस बात पर निर्भर करते हैं कि व्यवस्था खुली है या बंद है, यानी समाज कैसा है। खुला समाज मतलब वर्ग व्यवस्था पर आधारित समाज, और बंद समाज भारतीय समाज के संदर्भ में उसे बंद समाज इसलिए कहते हैं भारतीय समाज को, क्योंकि ये जाति व्यवस्था पर आधारित, और जाति में जो व्यवसाय और जो कार्य एक व्यक्ति एक जन्म के बाद अपनी जाति में जो पुश्तैनी कार्य होता है उसी जाति में आजीवन उसे जन्म वो मरना पड़ता है, यानी सॉरी जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है उसी जाति का आजीवन सदस्य रहता है। लेकिन वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य के आधार पर, अपने स्तर के आधार पर वर्ग में परिवर्तन भी कर लेता है। इसलिए वर्ग व्यवस्था पर आधारित समाज खुला समाज है और जाति व्यवस्था पर आधारित समाज बंद समाज है। इस आधार पर सामाजिक गतिशीलता के निम्न स्रोत हैं। आय, खुली व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में आय गतिशीलता का मुख्य स्रोत है। आय के स्तर में परिवर्तन अधोगामी और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता उपलब्ध कराते हैं। व्यवसाय, प्रत्येक समाज में व्यवसाय को दो श्रेणी में बांटा गया है, प्रतिष्ठित एवं गैर प्रतिष्ठित व्यवसाय। सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने की दिशा में व्यवसायों का परिवर्तन विश्वव्यापी है। जीवन शैली के आधार पर भी गतिशीलता होती है। वेबर जीवन शैली को सामाजिक परिस्थिति का मूल आधार मानते हैं। मैक्स वेबर ने जीवन शैली को परिस्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण माना था। अतः जीवन शैली में परिवर्तन भी सामाजिक गतिशीलता को सुनिश्चित करता है। अगर व्यक्ति की जीवन शैली ग्रामीण है और जीवन शैली में परिवर्तन किस आधार पर आता है, इस संदर्भ में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा जो है मनुष्य निवास की वो महत्वपूर्ण है। संस्कृतिकरण के आधार पर एक व्यक्ति अन्य जाति के रीति रिवाज, मूल्य, विचारधारा, जीवन पद्धति को इस प्रकार अपनाता है तो कुछ पीढ़ियों के बाद वह उसी जाति का बनने लग जाता है। तो यह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया होती है। जातीय संदर्भ में वह उदग्र गतिशीलता तो प्राप्त नहीं करता, लेकिन क्षैतिज गतिशीलता प्राप्त कर लेता है। प्रवसन द्वारा, प्रवसन मतलब माइग्रेशन। डेविड फ्रॉक पिकॉक ने अपने गुजरात के अध्ययन में यह प्रमाणित किया था कि जब भी कोई व्यक्ति या समूह अपने निवास स्थान को परिवर्तित करता है तो वह नए स्थान पर उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करने का दावा करता है, साथ ही उसे मूल स्थान पर भी बेहतर सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है प्रायोजित गतिशीलता। इस गतिशीलता के अंतर्गत व्यक्ति या समूह अपने प्रयासों से गतिशीलता को प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि किसी समूह, संस्था या संगठन का सहारा लेते हैं और वह संगठन उसे गतिशीलता प्राप्त करने में पूरा हेल्पफुल होता है। तो प्रायोजित गतिशीलता उस प्रकार की गतिशीलता, और इसका उदाहरण है भारत में आरक्षण पॉलिसी जो है, उसी के आधार पर विभिन्न प्रकार की पिछड़ी जातियों और संगठन समूहों ने अपने क्षेत्र में गतिशीलता प्राप्त की। कानून द्वारा भी समूह और समुदाय को गतिशीलता प्रदान की जाती है। जैसे अमेरिका में वर्णन नीति जो है अश्वेतों की सामाजिक गतिशीलता, यूरोप में महिलाओं को प्रदान किया गया मत देने का अधिकार, भारत में संपत्ति का अधिकार, महिलाओं को दिया गया संपत्ति का अधिकार जो है वो कानून द्वारा महिलाओं के सामान्य स्तर में और सामान्य पिछड़ेपन को ख़त्म करके उन्हें आगे आने के लिए एक मौका देता है। तो यह भी सामाजिक गतिशीलता का ही संदर्भ है। जन्म के द्वारा, बंद गतिशीलता का स्रोत जो है गुण या जन्म होता है, क्योंकि जन्म के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक हैसियत सुनिश्चित हो जाती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता के स्रोत व आयाम समाज की संरचना पर निर्भर करते हैं, यानी समाज बंद है या खुला है। बंद व्यवस्थाओं में अवसर थोड़े सीमित होते हैं और खुली व्यवस्थाओं में गतिशीलता के अवसर अपेक्षाकृत बंद गतिशील व समाज के अधिक होते हैं।